बड़ी खबर, रक्त रंजित अवस्था में खेत में मिला शव। यूपी के औरैया जनपद में सदर कोतवाली पुलिस के पास एक फोन आया, जिसे सुनते ही सदर कोतवाली पुलिस समेत पुलिस के आला अधिकारियों की गाड़ी सायरन व हूटर बजाते हुए दौड़ने लगी। पुलिस की गाड़ियों के रुकते ही व सायरन का शोर थमते ही सामने का मंजर हिला देने वाला था। खेत में रक्त रंजित पड़े युवक के शव को देख सभी हैरान परेशान थे। यूपी के औरैया जनपद के औरैया कोतवाली पुलिस को फोन पर सूचना मिली कि एक युवक का शव खेत में पड़ा हुआ है। शव मिलने की सूचना पर कोतवाली पुलिस समेत पुलिस के आला अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आवश्यक कार्यवाही करते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज आगे की जांच व कार्यवाही में जुट गई। पुलिस के अनुसार मृतक भीमसेन, जिसकी उम्र लगभग 28 वर्ष थी, कल देर शाम लगभग 8 बजे घर से शॉर्ट जाने की बात कहकर निकल गया और आज शाम को मृतक के बड़े भाई के द्वारा पुलिस को फोन पर सूचना दी गई। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है और अज्ञात हत्यारोपी के खिलाफ सख्त कार्यवाही की बात कही गई है। आज थाना कोतवाली पे शाम करीब 5 बजे सुगर सिंह नाम के एक व्यक्ति हैं, उनके द्वारा ये सूचना दी गई कि उनका भाई, जिसका नाम भीम सेन है और जो पढ़िन दरवाजा क्षेत्र का रहने वाला है, उनके पिता का नाम सोहरन सिंह है, उनकी उम्र करीब 28 वर्ष है, वो रात्रि में घर पर ये कहकर निकला था 8:30 बजे करीब कि वो शौच के लिए जा रहा है और उसके बाद से वो घर पे वापस नहीं लौटा और उसका जो शव है वो इनके घर के पास ही एक खेत है उसमें मिला है। शव पर ऊपरी जब हमने परीक्षण किया है तो चोटों के निशान भी हैं और एक धारदार हथियार से गले पर वार भी किया गया है। विधिक कार्रवाई करते हुए जो शव है उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और परिजनों से तहरीर ली जा रही है, जिसमें अभी पंजीकृत किया जाएगा। मौके के स्थलीय निरीक्षण से कुछ बारीक सुराग हमारे हाथ में लगे हैं, जिससे लगता है कि घटना का शीघ्र अनावरण हमारे द्वारा कर दिया जाएगा। देखिए, जो हमारी फील्ड यूनिट की टीम है उसने पूरे जो एरिया है उसको स्वीप किया है और जो भी एविडेंस रेलिवेंट हम लोगों को लगती है वो रेलिवेंट एविडेंस कलेक्ट की गई है।